सदी के स्टार्ट में हम कैलिफोर्निया नाम की एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जिसके रिसर्च लैब में एक रिसर्चर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इस रिसर्चर का नाम जोई था, जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है। उसकी टीम में तीन और लोग भी थे जो कि उसके फ्रेंड थे और उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम फ्रैंक था। उस टाइम वो एक मरे हुए डॉग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता। नेक्स्ट डे उनकी टीम में एक न्यू पार्टनर आती है जिसका नाम इवा था और वो एक कैमरा असिस्टेंट थी। जोई इवा को बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर जोई और उसका फ्रेंड फ्रैंक अपने प्रोजेक्ट पर इवा से, जो कि कैमरा असिस्टेंट होती है, उससे रिकॉर्डिंग करवाते हैं और वो अपनी एक इन्वेंशन के बारे में बता रही होती है जो कि एक सीरम था और उसी पर ये रिसर्च कर रहे थे और वो बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी रिकॉर्ड करते हैं और ये भी कि वो सीरम कैसे वर्क करता है। फ्रैंक बताता है कि ये सीरम जोई ने इन्वेंट किया है और हमारे दूसरे फ्रेंड ने इसमें एक पल्स एक्टिव किया है और उस पल्स की मदद से चाहे कोई मरा हुआ इंसान हो या फिर जानवर हो, दोबारा जिंदा हो सकता है। फिर एक रात जोई नाइट शिफ्ट में काम कर रही होती है, तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे डरा देता है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जोई उसे बताती है कि इस प्रोजेक्ट के खत्म होते ही फ्रैंक और मैं शादी कर लेंगे और इस बात की वजह से हम जोई के उस फ्रेंड को सैड और जेलस होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो भी जोई को लाइक करता था। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर जोई का दूसरा फ्रेंड अपना आइडिया शेयर करता है और मसले का सोल्यूशन बताता है और उन्होंने डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर रात में दिखाया जाता है कि जोई एक नाइटमेयर देख रही है, यानी एक बुरा ख्वाब, जहाँ पर एक अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से जोई डर जाती है और फौरन जाग जाती है। तो फ्रैंक वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से डर गई हो उस नाइटमेयर से, जिस पर जोई कहती है कि हाँ आज भी, जिससे हमें ये पता चलता है कि जोई को एक नाइटमेयर हर रात आया करता था। असल में इसके पीछे भी एक रीजन थी। इसके बाद फ्रैंक जोई को रिलैक्स करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग फिर से एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि मरा हुआ था और वो अपने सीरम के जरिए इस डॉग को जिंदा करना चाहते थे। अब वो हर साइंटिस्ट की तरह पहले अपना एक्सपेरिमेंट एक जानवर पर ही कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट का सारा प्रोसेस इवा अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। फिर जोई उस डॉग की आईज चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये डॉग ब्लाइंड है, यानी वो देख नहीं सकता। इसके बाद वो लोग उसके ब्रेन में अपना सीरम इंजेक्ट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद वो डॉग जिंदा हो जाता है। और जब वो लोग उस डॉग को रिलैक्स करते हैं तो जोई उसकी आईज दोबारा चेक करती है और अब उस डॉग की आंखें भी ठीक हो गई थी। अब डेफिनेटली ये उस सीरम का ही कमाल था। जोई बताती है कि ये सीरम ना सिर्फ जिंदा करता है बल्कि हील भी करता है। एक्सपेरिमेंट की सक्सेसफुल होने की वजह से वो लोग सेलिब्रेशन करते हैं और काफी खुश भी थे। फिर जोई और फ्रैंक उस डॉग को अपने साथ घर ले आते हैं, लेकिन वो डॉग ना तो ज्यादा घुल मिल रहा था और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था। और रात में जब जोई सो रही होती है तो वो डॉग उसके पास आता है और उसे घूरने लगता है। फिर अगले दिन इवा उस डॉग के साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, एक ही जगह पड़ा हुआ था। तो इसीलिए वो सब लोग उसका MRI करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सीरम अभी तक उसके दिमाग में ही है, यानी उस सीरम ने पूरी बॉडी में फ्लो नहीं किया। फिर रात के टाइम जोई का फ्रेंड अकेला ही उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और वहीं पर वो डॉग भी केज में बंद था, तो तभी उसे अचानक से आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो दिखता है कि वो डॉग मिसिंग है। वो डॉग को काफी ढूंढता है। इसके बाद वो डॉग खुद ही उसके सामने आ जाता है और अजीब तरीके से उस पर भौंकने लगता है, जैसे किसी ने उसे पोजेस किया हो। फिर जोई का वो फ्रेंड अपने बाकी पार्टनर से मिलता है और उन्हें वो सारी बात बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं कर रहा था। जोई उसे कहती है कि फजूल में ओवर एक्टिंग करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद फ्रैंक उस डॉग के ब्रेन को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस सीरम की वजह से उस डॉग के सेल्स चेंज हो रहे हैं और ये देखकर फ्रैंक काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये एक रिएक्शन था। फिर नेक्स्ट डे जोई और फ्रैंक यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक प्रोजेक्ट के लीडर से मिलता है, जहाँ पर प्रोजेक्ट के लीडर फ्रैंक पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने सिर्फ कोमा के पेशेंट का एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन ली थी, तो फिर ये सब कुछ क्या है, क्या चल रहा है, ये तुम किस तरह की अजीब हरकतें कर रहे हो, क्योंकि नेचर और गॉड के कामों में इंटरफेयर करने से नुकसान ही होता है। लेकिन फ्रैंक उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि देखें, इन्वेंशन ऐसे ही होती हैं और हम ये सब कुछ इंसानों की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं है ये। वो कहता है कि आपको किसी ने गलत न्यूज दी है, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। वो पूछता है वैसे किसने कहा है आपको ऐसा, लेकिन इस पर वो प्रोजेक्ट के लीडर कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ इतना कहती है कि वो लैब किसी ने खरीद ली है और वो सारे की सारी रिसर्च भी, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हम अपनी रिसर्च किसी को नहीं बेच सकते ऐसे। दूसरी तरफ उनके लैब पर भी छापा पड़ जाता है और तो और उनकी रिसर्च के लिए फंडिंग भी बंद कर दी गई थी और सारा डाटा, रिसर्च और इक्विपमेंट्स भी छीनने का ऑर्डर आया है। हालांकि जोई उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर्स उसकी बात नहीं सुनते। तो इसी दौरान चुपके से पीछे के दरवाजे से इवा उस डॉग को अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब फ्रैंक वापिस आता है तो वो देखते हैं कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, सब कुछ उनके हाथ
यहाँ से चला गया है। फिर नेक्स्ट डे वो सब लोग डिस्कशन करने लगते हैं। जोई कहती है कि मेरा शक तो ईवा पर है कि इसी ने ही वो वीडियो लीक की होगी। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सीक्रेटली ही इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंट को लेकर उनके पास कुछ बचा तो था नहीं, तो इसीलिए वो कहती है कि हमें दोबारा से खुद को प्रूव करना होगा कि वो सीरम हमने ही बनाया था। और जोई सीरम का एक सैंपल चुरा कर लाने में कामयाब हो गई थी, जिसे वो सबको दिखाती है। और ईवा भी अपने साथ एंट्री कार्ड रखने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि वो सबकी नजरों से बचकर वहाँ से निकल चुकी थी। ईवा एंट्री कार्ड दिखाकर डॉग के साथ वहाँ पर चली जाती है, और वो बाकी लोगों को भी पिछले डोर के जरिए लैब में ले आती है। और अब वो अपना एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अब उनके पास जो सैंपल होता है उससे वो और ज्यादा बनाते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इस बार वो लोग एक दूसरे डॉग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पहला डॉग भी वहाँ पर केज में बंद था और वो भी वो सब कुछ देख रहा था। ईवा भी पहले की तरह रिकॉर्डिंग कर रही थी, और जोई भी पहले की तरह इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए मेन स्विच को ऑन करने लगती है। और जब वो मेन स्विच को ऑन करती है तो उस ज्वेलरी की वजह से जो कि उसने पहन रखी थी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक जोई को लग जाता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब फ्रैंक जो कि जोई को प्यार करता था उसे खोना नहीं चाहता था। वो डिसाइड करता है कि वो ये सीरम जोई को इंजेक्ट करेगा ताकि वो दोबारा जिंदा हो जाए, लेकिन सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि आज से पहले हमने किसी पर भी इंसान पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फ्रैंक कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि ये सीरम वर्क करता है, और इसीलिए मैं जोई को दोबारा हासिल करना चाहता हूं। मैं उसे खो नहीं सकता, और इसीलिए सब मान जाते हैं। अब यहां पर फ्रैंक बिल्कुल उस डॉग की तरह जोई में भी वो सीरम इंजेक्ट करता है, जबकि ईवा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। जोई का फ्रेंड देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उनके लैब की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो सब छुप जाते हैं। और जब गार्ड वहाँ से जाता है तो सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जोई स्ट्रेचर पर बैठी हुई है, यानी वो दोबारा जिंदा हो गई है। और वो किसी भूत से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने व्हाइट कपड़ा लिया हुआ था फेस पर। इसके बाद फ्रैंक जोई को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो जोई की भी MRI करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जोई के भी सेल्स चेंज हो रहे हैं, इसीलिए वो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन फ्रैंक जोई को अपने साथ ले जाता है, और जोई फ्रैंक को वो बातें बताती है जो उस वक्त फ्रैंक के दिमाग में चल रही थी। और ये सब कुछ सुनकर फ्रैंक डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जोई चीजों को भी अपनी ब्रेन पावर से मूव करने लगती है, यानी यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उस सीरम की वजह से जोई की ब्रेन पावर काफी बढ़ चुकी थी, और वो दूर से ही लोगों का ब्रेन पढ़ सकती है, उनकी बातें सुन सकती है। और अचानक से उसकी उंगलियां भी नीली होने लगती है, और जब वो मिरर में देखती है तो वो भी टूट जाता है, और मिरर यहाँ पर उसके दो रिफ्लेक्शन दिखा रहा था। फिर वही डॉग जोई के पास आकर उस पर भौंकने लगता है, और यहाँ पर जोई अपनी ब्रेन पावर को यूज करते हुए उस डॉग को मार देती है। इसके बाद वो डरते हुए फ्रैंक के पास आती है और उसे बताती है कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं चेंज हो गई हूँ, मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है, लोगों के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और जब मैं मर गई थी तो काफी सालों से मैं एक जगह पर ही फंसी रही, जहाँ पर मुझे लोगों की चीखें सुनाई देती थी, और मुझे लगता है वो हेल थी। फ्रैंक कहता है कि तुम सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही मरी थी, और ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है, परेशान मत हो। इसके बाद फ्रैंक जोई को नींद का इंजेक्शन लगा देता है, और जब जोई सो रही थी तो ईवा उसके पास आती है, लेकिन ऐसा होते ही जोई की ब्रेन पावर से ईवा भी जोई के ड्रीम में चली जाती है। और ये वही नाइटमेयर था जो जोई हमेशा देखा करती थी, यानी जब जोई छोटी थी ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, और इसके बाद ईवा की आँख खुल जाती है। फ्रैंक उसे बताता है कि असल में ये जोई का नाइटमेयर है जो उसे हमेशा तंग करता था। असल में जब जोई छोटी थी तो उसकी बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसके ख्यालों से आज तक जोई बाहर नहीं आ पाई, लेकिन वो देखती है कि ईवा के हाथ पर जलने के निशान है, जैसे कि वो सचमुच उस नाइटमेयर में गई हो, और ये सब कुछ उस सीरम की वजह से हुआ था। फ्रैंक कहता है कि इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, कुछ नहीं जानता मैं, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जोई का फ्रेंड ईवा को बताता है कि उस सीरम की वजह से जोई की ब्रेन पावर काफी बढ़ चुकी है, यानी वो डेवलप हो चुकी है, और ऐसा उस डॉग के साथ भी हुआ था, लेकिन अब क्योंकि वो जानवर था इसीलिए हमें पता नहीं चल पाया कि आखिर उस डॉग के साथ चल क्या रहा है। और जोई जब नींद से जागती है तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। इसके बाद जोई का वो फ्रेंड जो उसे पसंद करता था उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जोई उसे नहीं मिलती। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो उसके पीछे से आ जाती है, और यहाँ पर जोई उसके साथ अजीब हरकतें करने लगती है, क्योंकि उसने उसका दिमाग पढ़ जो लिया था। जोई का फ्रेंड उसे पीछे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से जोई को गुस्सा आ जाता है। जोई कहती है कि तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, जिस पर जोई का फ्रेंड कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसकी आईज ब्लैक हो जाती है एक बार फिर से। जोई बगैर उसे हाथ लगाए ही कबर्ड में फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है, और उसे बहुत ही बुरे तरीके से
क्रश करके मार देती है और उसका सारा खून बाहर निकलने लगता है। और इसके बाद जोई जाकर दोबारा से सो जाती है। और जब वो सारे लोग वापस वहाँ पर आते हैं तो उन्हें अपना वो फ्रेंड नहीं मिल रहा होता। और जोई यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब जोई के फ्रेंड को उस पर शक होने लगता है कि ये सारा क्या धरा जोई का ही है, इसीलिए वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए सोचता है। और यहाँ पर भी जोई अपनी ब्रेन पावर को यूज करती है और उन्हें बंद कर देती है और बाहर ही नहीं आने देती। जोई के पास वहाँ पर ईवा बैठी होती है। जोई उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। तो ये सुनकर ईवा डर जाती है। तब जोई का फ्रेंड उससे अपने उस फ्रेंड के बारे में पूछता है जिसे जोई मार चुकी थी। तो वो स्माइल करके कहती है कि कुछ नहीं किया मैंने, तो मैं तो यहीं पर बैठी थी। और यहाँ पर जोई अपनी पावर से उसके मुंह में उसी की इलेक्ट्रिक सिगरेट घुसा देती है और दम घुटने की वजह से जोई का दूसरा फ्रेंड भी मारा जाता है। इसके बाद जोई वहाँ से गायब होकर किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाती है और अब सिर्फ वहाँ पर फ्रैंक और ईवा ही बचे थे। सब कुछ हवा में उड़ने लगता है और जोई सब कुछ उन लोगों की तरफ फेंक रही थी जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं। तब ये देखकर ईवा और फ्रैंक वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद सारी डेड बॉडीज भी दोबारा से जिंदा होकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद फ्रैंक एक इंजेक्शन बनाता है और वो ईवा से कहता है कि तुम उसे प्रॉमिस करो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए तुम जोई को यहाँ से बाहर जाने नहीं दोगी, क्योंकि अगर वो बाहर चली गई तो सबको डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि वो जोई नहीं है। और ये कहकर वो जोई के पास जाता है और जोई उसे कुछ दूर खड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद जोई उसके पास आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ये इंजेक्शन क्यों लेकर आए हो। तब उसे यकीन दिलाने के लिए फ्रैंक उस इंजेक्शन को नीचे रख देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम सब कुछ दोबारा मिलकर ठीक कर लेंगे। जोई उसे पूछती है कि क्या तुम अभी तक मुझसे प्यार करते हो, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ अभी तक करता हूँ। तब जोई कहती है ओके ठीक है मुझे खुद चेक कर लेने दो। और जब वो फ्रैंक का दिमाग पढ़ती है तो वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है और फ्रैंक को भी बहुत बुरे तरीके से मार डालती है। और यहाँ पर जोई के अंदर का शैतान साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो बाकी बचा सीरम भी सारा अपने दिमाग में इंजेक्ट कर लेती है जिससे उसका दिमाग और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्टेज पर जा चुका था और ऐसा लग रहा था कि जोई को खत्म करना अब इम्पॉसिबल है। मीनवाइल ईवा दो इंजेक्शन बनाकर उन्हें छुपाकर बाहर आती है और तब जोई उसके पीछे होती है। इसके बाद जोई उसे दूर फेंक देती है। फिर इसके बाद ईवा किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और वो देखती है कि वहाँ पर बचपन वाली जोई खड़ी हुई है। ये वही नाइटमेयर था जो जोई को आता था और ईवा भी पहले इसे देख चुकी थी, यानी वही अपार्टमेंट जहाँ पर आग लगी हुई थी। ईवा छोटी जोई को देखती है जिसके हाथ में माचिस थी। इसका मतलब साफ था कि उस अपार्टमेंट को आग जोई ने ही लगाई थी। और वो अपनी इस गलती के बारे में अपने एक फ्रेंड से भी डिस्कस करती है जब उसे वो मार रही थी कबर्ड में बंद करके। इसके बाद जोई दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है जिसका पूरा फेस जल रहा था और काफी डरावना लग रहा था। यहाँ पर ईवा छोटी जोई को कहती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम अभी भी कुछ लोगों को बचा सकती हो दरवाजा खोलकर। और छोटी जोई जब दरवाजा खोलती है तो वो रियलिटी में आ गई थी, यानी पहले वो नाइटमेयर में थी जहाँ पर ईवा जोई के पेट में वो इंजेक्शन लगा देती है। वो उसे सॉरी बोलकर दूसरा इंजेक्शन उसके गले में लगा देती है जिससे जोई मर जाती है और ईवा वहाँ बैठकर रो रही होती है। इसके बाद ईवा को रेस्क्यू किया जाता है। वो रेस्क्यू ऑफिसर के गले लगकर बहुत रोती है और सब बताती है कि मैंने ही जोई को मार दिया अपने हाथों से। लेकिन वो देखती है कि जोई की डेड बॉडी गायब है वहाँ से। वो देखती है कि रेस्क्यू ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जोई है। इसके बाद जोई ईवा को भी मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई फ्रैंक की डेड बॉडी को वहाँ पर लेकर आती है और वो उसकी डेड बॉडी में अपने खून को इंजेक्ट कर देती है ताकि वो भी दोबारा जिंदा होकर जोई जैसा बन सके। और फ्रैंक अपनी आँख खोलता है जो कि अब जोई की तरह खतरनाक बन गया था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।